आपको बता दें, गुरदासपुर उपचुनाव को लेकर यह खबर सामने आ रही है, 11 अक्टूबर को होने हैं गुरदासपुर में उपचुनाव, लेकिन बीजेपी की ओर से माना जा रहा था विनोद खन्ना की पत्नी को टिकट दे दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका टिकट काट दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि लगातार पंजाब में गुरदासपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, 11 अक्टूबर को होने हैं चुनाव, लेकिन उसको लेकर विनोद खन्ना की पत्नी को लेकर माना जा रहा था कि उनको टिकट दिया जा सकता है विनोद खन्ना के नहीं रहने पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनका टिकट काट दिया गया है। गुरदासपुर लोकसभा सीट से यह बड़ी खबर सामने आई है, विनोद खन्ना की पत्नी कविता का टिकट काट दिया गया है। गुरदासपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अब तय कर लिया है और गुरदासपुर से विनोद खन्ना की पत्नी नहीं होंगी, यानी कि कविता का टिकट काट दिया है बीजेपी ने। स्वर्ण सिंह सलारिया को बीजेपी ने दिया है टिकट, स्वर्ण सिंह सलारिया उम्मीदवार बनाए गए हैं गुरदासपुर लोकसभा सीट से। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, स्वर्ण सिंह सलारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है विकास, क्या खूबियां हैं इनके अंदर और माना जा रहा था कि विनोद खन्ना की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे थे, विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना का भी नाम था, स्वर्ण सिंह सलारिया का भी नाम था, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा 3 फिल्म स्टार्स के भी नाम थे, उसमें अक्षय खन्ना का नाम शामिल था, विवेक ओबराय का नाम शामिल था और अक्षय कुमार का भी नाम था, जो पार्टी ने सजेस्ट किए थे केंद्रीय इकाई को कि आप इन तीन में से भी किसी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता स्वर्ण सिंह सलारिया को इसके लिए चुना। 2014 में भी इन्होंने टिकट मांगा था गुरदासपुर से, बाबा रामदेव ने भी तब इनके लिए काफी लॉबिंग की थी लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय स्वर्ण सिंह सलारिया ने कुछ बागी तेवर भी अपनाए थे लेकिन फिर वापस पार्टी लाइन पर लौट आए थे। स्वर्ण सिंह सलारिया का जो बैकग्राउंड है वो उद्योगपति हैं, बाबा रामदेव के बेहद करीबी शिष्य हैं, बाबा रामदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं और जब ये टिकट की जब रस्ता कसी चल रही थी उस दौरान भी बाबा रामदेव लगातार स्वर्ण सिंह सलारिया के लिए लॉबिंग कर रहे थे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उन्होंने न केवल फोन पर बात की बल्कि मुलाकात भी की ताकि स्वर्ण सिंह सलारिया को टिकट मिल सके। उसी तरह मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव का यहाँ पर जो भी काम था, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी वो चल गया, लेकिन वहीं श्री श्री रविशंकर कविता खन्ना को टिकट दिलाना चाह रहे थे लेकिन कविता खन्ना को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, यानी कि बाबा रामदेव की ही चली है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए श्री श्री रविशंकर के शिष्य हैं कविता खन्ना और इसलिए श्री श्री रविशंकर भी लॉबिंग कर रहे थे पार्टी के कई नेताओं से और संघ के कई लोगों से उन्होंने बातचीत की थी ताकि कविता खन्ना को टिकट दिलाया जा सके। कविता खन्ना विनोद खन्ना की पत्नी थी लेकिन उनके साथ एक ड्रॉबैक ये था जो कि सबसे बड़ा पहलू बनकर उभरा उनके टिकट कटने के पीछे, वो ये था कि वो पंजाबी भाषी नहीं है और दूसरा उनका गुरदासपुर में उतना होल्ड नहीं है क्योंकि ज्यादा वक्त वे रहती नहीं है, जबकि स्वर्ण सिंह सलारिया गुरदासपुर में काफी वक्त देते हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और ऐसी सूरत में जब दो बड़े बाबा देश के पार्टी के भीतर लॉबिंग कर रहे हो, ऐसी सूरत में पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को तरजीह दी और बाबा रामदेव की बात को मानते हुए स्वर्ण सिंह सलारिया को टिकट दिया है गुरदासपुर लोकसभा। बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। श्री श्री रविशंकर कविता खन्ना के लिए बैटिंग कर रहे थे, बाबा रामदेव सलारिया को टिकट दिलाना चाह रहे थे, सलारिया की जीत हुई है, गुरदासपुर से उम्मीदवार बीजेपी के बनाए गए हैं सलारिया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आई है, आपको बता दें 11 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं गुरदासपुर सीट से, कांग्रेस ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुरदासपुर उपचुनाव से सामने आई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।